जिले में आए दिन हो रही हत्याएं से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। बीते 24 अप्रैल के दिन एक वृद्ध महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को सिलाव थाना क्षेत्र नरहर पुल के नीचे फेंक दिया गया था। घटना के बारे में मृतका के भाई ने बताया कि वृद्ध महिला 24 अप्रैल को मंदिरपुर गांव से बिहार शरीफ दवा लेने के लिए गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। परिजनों के मुताबिक उन्होंने महिला के गायब होने की सूचना रहुई थाना को दी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वृद्ध महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस के ऊपर कार्य में कोताही बरतने का आरोप लगाया। इसके 5 दिन बाद परिजन ने ग्रामीणों की मदद से रहुई थाने का घेराव किया, तब मामला दर्ज कर शव लाने का आश्वासन दिया गया और घंटों से लगे सड़क जाम से निजात मिली। मुखिया व प्रशासन के सहयोग से मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें कि मृतका लालती देवी का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण गांव के ही कई लोगों की नजर उनके संपत्ति पर थी। इन लोग का मांग है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द इन लोगों को। इनका जमीन बहुत दिन से हड़प ले है और उल्टे इन्हीं लोग पर थाना के द्वारा केस भी किया जाता है। क्या लग रहा है कि थाना की मनमानी? मनमानी तो है भैया, इससे और बड़ा मनमानी कौन सी हो सकता है? आप भी देख सकते हैं। घटना क्या हुई थी? घटना इनको दवा लाने बिहार शरीफ गए थे, वहाँ से 4 गो आदमी मिल के झौरंगी सुनील यादव 2 आदमी आओ है जो सब उठा कर 2-4 आदमी आओ साथ है स्कॉर्पियो पर बैठा के उठा कर ले जाकर नानन वाला रोड में उनका कोई रिलेशन लगता है जो मुद्दाले हैं उनका रिलेशन रहता है, उधर नाक मुंह चूर करके जान मार दिया गया। मांग थाना घेराव क्यों किया गया है? थाना इसलिए घेराव किया गया था कि एफआईआर अभी तक नहीं हुआ था, नहीं कोई कार्रवाई की गई थी। जी हमारे फुआ के मैंने जमीन थी, जमीनी विवाद है सर, सुनील गोप से, झरंगी गोप से, जीतन गोप से, जगदीश गोप से अपहरण करके मार दल के सर। अपहरण कब कब किया? 24 तारीख को रात को। 24 तारीख को दवाई लाने। फिर मैंने थाना में नहीं केस ला रहे हैं सर, अधिकारी मैंने उसको कुल के नहीं पकड़ रहे हैं सर। जी नहीं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? थाना घेराव कर रहे हैं सर। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? धरना पर बैठे रहेंगे सर। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कौन है आप? भतीजा वाली सर।